तिवारी जी से वो लोग 10 मिनट पहले फ़ोन किए थे, बातचीत किए, उसके बाद वो लोग आए तो सिपाही जो था वो सोया हुआ था, बूढ़े सिपाही था वो लाठी लेकर वो सोया हुआ था, वो लोग डायरेक्ट ऊपर आ गए और आए, उसके बाद से तिवारी जी अंदर से आए बाहर रूम में, उसके बाद से रूम में आए तो वो लोग बातचीत किया, आधे घंटे बातचीत किया, उनको दही बड़ा खिलाया, उसके बाद चाय बना के पिलाया, फिर उसके बाद से वो एक कोई मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़की से शादी की बात चल रही थी इसी मैटर पे, फिर वो जो गुंडे थे वो सिगरेट लाने के लिए बोला, 100 का नोट दिया और बोला कि गोल्ड प्लेट स्लिप 5 सिगरेट लेके आओ, मैं बगल की दुकान से जा कर लेके आ रहा, वो सोचा मौका ढूंढ रहा था, जब तक 2 मिनट के अंदर मैं आ गया, फिर तिवारी जी बोले कि जाओ मसाला लेके आओ, फिर मैं गया मसाला लाने, जब तक आया उधर से तो तीनों आदमी गायब थे और टेबल के नीचे गुरु जी पड़े हुए हैं, कमलेश तिवारी जी पड़े हुए हैं और वो दोनों फरार हो गए थे, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इधर उधर कोई कहीं नहीं, फिर खून देखा तो मुझे हिम्मत नहीं बना, उसके बाद से पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ आधे घंटे से, कोई पुलिस 100 नंबर लग ही नहीं रही, उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए और वहाँ जो कैमरा लगी हुई है वो भी काम नहीं करती है, तिवारी जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ फोर्स बढ़ाओ फोर्स बढ़ाओ, लेकिन वो बुढ़ऊ को रख दिए तो वो जब भी आते हैं वहाँ पे सोए लेटे हुए रहते हैं, बस इसके आगे लगता है कि उन्हीं लोगों ने मारा। जी जी सर, 2 लगते, एक भगवा वस्त्र पहना था एक सादा वस्त्र पहना था, जानते हैं चेहरा पहचानते हैं, सामने आएगा तो पहचान लेंगे, नहीं पहले नहीं कभी, फर्स्ट बार आए थे वो लोग, हाँ बाइक से थे, लेकिन ये बाइक मैं नहीं पहचाना, बाइक नहीं पहचाना, मैं ऊपर था 2 मंजिले, उम्र में 30-35 के आसपास दोनों थे, हाँ वहाँ पे रिवाल्वर पड़ी हुई है सफ़ेद कलर की और एक पैकेट पड़ी हुई है छोटी सी, पता नहीं उसमें विस्फोटक है क्या, मैंने साइड में रख दिया और उसके बाद से। देखिए कमलेश तिवारी हिंदू समाज पार्टी उन्होंने फॉर्म किया था और आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनकी हत्या कर दी गई, जिन्होंने हत्या की वो इनके परिचित बताए जाते हैं, जिन्होंने लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय उनके साथ बिताया, एक मिठाई का डब्बा लाए वो और उनको दिया और उसके बाद ये हत्या हुई है। हमें कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और कुछ और भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, उस आधार पे हम उस पर वर्क कर रहे हैं, हमने स्मॉल टीम भी गठित कर लिया है और कुछ कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ एविडेंशियल जो सूचनाएं हमें मिली है और साथ ही साथ एसटीएफ को भी, स्पेशल टास्क फोर्स को भी हमने लगा दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हम इसको वर्कआउट कर लेंगे, एंड इट्स प्योरली क्रिमिनल एक्टिविटी डन बाय 2 पीपल एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों से अपील भी करेंगे क्योंकि लोग इस उसमें उग्र हो रहे हैं कि डाइल्यूट करें और साथ परिवार से भी बात करें। देखिए कुछ स्मॉल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वहाँ था, लोग ये कह रहे थे कि इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए और लेकिन अब बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है, हमारे ऑफिसर्स वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि विद इन 48 आवर्स हम क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे और उस तह तक जाएंगे कि आफ्टर ऑल क्या रीजंस थे जिसमें जिसके कारण यह हत्या हुई है।